हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो फाइनेंस सेक्टर में काफी बड़ा नाम रखते हैं। एनबीएफसी सेक्टर का दिग्गज शेयर माने जाते हैं दोनों। एक है बजाज फाइनेंस, दूसरा है बजाज फिनसर्व, और दोनों ही काफी दिग्गज शेयर है, लेकिन दोनों में ही 50% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया आखिर इन दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए, आने वाले दिनों में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बजाज फाइनेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2,207 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम इसके नतीजे देखें तो आप देखिए 50% तक शेयर टूट गया है। 4,450 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, 2,265 रुपए तक ये शेयर पहुंचा, बाद में फिर से बाउंस बैक करके 2,800 रुपए तक गया, बाद में फिर से अब इसमें गिरावट का दौर चल रहा है। 2,207 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो एक साल में 27% की गिरावट है। 4,880 रुपए तक का बढ़िया हाई बना था, और उसके बाद आप देखिए भयंकर गिरावट भी इसमें देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल में भी बजाज फाइनेंस में वही चीज हमें देखने को मिली है। आप देखिए 86% का ग्रोथ है। आप देखिए 1,170 रुपए से शेयर ऊपर उठा था। आप देखिए बढ़िया रैली आई, फिर हल्की सी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, और जितनी बड़ी रैली आई उतनी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। फिर से शेयर ने इतना बड़ा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आ गई, फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक, और आप देखिए 4,800 रुपए तक शेयर पहुंच गया। लेकिन अभी हालत यह है कि शेयर 2,200 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए 1,36,880 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है। एनएससी में देखेंगे तो 61 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। नतीजे अगर इनके देखेंगे तो भैया बहुत शानदार नतीजे है। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ है। दिसंबर 2018 के क्वार्टर में जहाँ 1,050 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में ये 1,615 करोड़ तक पहुंचा, मतलब बढ़िया ग्रोथ है। 7,000 करोड़ के नेट सेल में 1,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मतलब 67 के आस से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट मार्जिन है। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स में तो भैया कांस्टेंट है, और बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, और बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा है ये कंपनी। शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 56.15% की होल्डिंग है, अफाइल्स के पास 22.22% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 7.85% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.84% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 50 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया यहाँ पर, 856 एफआईएस ने पैसा लगाया यहाँ पर। देखिए प्रमोटर कौन है, बजाज फिनसर्व है, जिसका शेयर 4,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज फिनसर्व की 52.82% की होल्डिंग है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जिनके पास 4.65% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.51% की देखने को मिली है। 500% का डिविडेंड दे रहा है। हाल फिलहाल में इसने इंटरिम डिविडेंड जो पे किया है वो 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड पे किया है। इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है, वो 10 रुपए पे किया है। बजाज फाइनेंस अगर हम देखें तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी मूडीज की रिपोर्ट आई थी कि आने वाले महीने में इंडियन की जो बैंकिंग सिस्टम है उनकी तो हालत खराब रहने ही वाली है, लेकिन जो एनबीएफसी है उनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। रीजन यह है कि कोरोना के चलते काफी सारे जो एसएमई बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और कोरोना के जो केसेस है वो हम देख रहे हैं कि भैया इंडिया में भी हर रोज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो 1,000 कोरोना के केस पहुंचने में इंडिया में 28 दिन लगे थे, जबकि 2,000 पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे, और अभी और तेजी से वो और भी तेजी से इनके केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा जरूर है। 21 दिन का लॉकडाउन है इंडिया में, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है कि नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं ये एक चिंता का विषय जरूर है। और उससे क्या होगा कि जो छोटे बिजनेसेस है उसको बहुत बड़ा फटका पड़ने वाला है, और छोटे बिजनेसेस को अगर फटका पड़ेगा तो एनबीएफसी कंपनियां हैं उनको तो झटका लगने वाला है, खास करके बजाज फाइनेंस जैसी। पी की बात करें तो 26 के आसपास का पी है, इंडस्ट्री भी 23 के करीब का है, बुक वैल्यू 322 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.84 है, 300% का डिविडेंड पे कर रहा है, ईपीएस 84 के करीब का है,
डिलीवरीज 13.32 के आसपास की देखने को मिली है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू 55% लोग यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 45% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि एनबीएफसी में फेस असेस लायबिलिटी मैनेजमेंट इश्यू इन टर्म लोन्स। ये रिपोर्ट से भैया आरबीआई की कि भैया एनबीएफसी आने वाले दिनों में उनके असेस और लायबिलिटी मैनेजमेंट का इश्यू का उनको फेस करना पड़ सकता है। कर्जा इनके ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 86,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है और ये बहुत कम कर्जा है। अगर हम बाकी बैंकों और एनबीएफसी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो काफी कम कर्जा है ये। और दिक्कत इसलिए भी नहीं क्योंकि क्योंकि कंपनी जो है वो हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमा रही है, तो ज्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो स्टॉक है बजाज फिनसर्व, देखिए 4,500 रुपये पर आ चुका है। और एक साल का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं या फिर आपको एक महीने का ही डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक महीने में 50% तक इसमें भी गिरावट है। तकरीबन 9,000 रुपये से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है, 9,000 रुपये से ये शेयर टूट रहा है और काफी नीचे भी आ चुका है अब। और यहाँ पर हम बात करें तो 71,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। आप देखेंगे तो 7 लाख के करीब का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और इनके भी आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से इनका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट सेल्स आपको देखिए 14,000 करोड़ के आसपास का है और 1,125 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट से इनके, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,200 करोड़ के आसपास के देखने को मिले थे। प्रॉफिट मार्जिन भी 35 के करीब का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.71% की होल्डिंग है, एफएस के पास 8.70% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.07% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.63% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 23.96% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 479 एफआईआई ने पैसा लगाया यहाँ पर। और प्रमोटर भी थाईस होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है जिनके पास 39.16% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जया हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिनके पास 3.85% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.76% है। यहाँ पर 100% का डिविडेंड दे रहा है, 5 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड इन लोगों ने पे किया है। तो हालांकि डिविडेंड की बात करें तो भैया डेफिनेटली शेयर काफी बड़े प्राइस के ऊपर है, लेकिन बजाज फाइनेंस है तो कम ही डिविडेंड ये पे कर रहा है बजाज फिनसर्व। यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। आप देखिए पीई 204 के आसपास है जबकि इंडस्ट्री पी 23 है, तो बहुत ही ज्यादा हाई पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 198 की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 22.81 है, 50 के आसपास का डिविडेंड है, 22 के आसपास का ईपीएस है, 24 के आसपास की डिलीवरीज है। 50% खरीदने की सलाह है, 50% बेचने की सलाह है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। कर्जा इनके ऊपर 1 रुपए का भी नहीं है, ये इनकी एक पॉजिटिव बात है कि भैया कर्जा नहीं है इनके ऊपर। लेकिन एक चीज नेगेटिव इनके अंदर जा सकती है वो ये है कि डिविडेंड बहुत कम पे कर रहा है, काफी हाई पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। और अगर हम मार्केट कैप की भी बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं कि इनका 72,000 करोड़ है, जबकि बजाज फाइनेंस का अगर हम मार्केट कैप देखने की कोशिश करें तो देखिए 1,36,000 करोड़ से, मतलब डबल है इनसे, डबल कह सकते हैं बजाज फिनसर्व से इनका मार्केट कैप बजाज फाइनेंस का डबल है। तो कहीं ना कहीं मैं मान दोनों शेयर काफी शानदार है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं बजाज फाइनेंस को चूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। रीजन सिंपल है, कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनका बिजनेस काफी बड़ा है बजाज फाइनेंस का, आई थिंक बजाज फिनसर्व का भी है। इवन बजाज फाइनेंस में अगर हम देखें तो 52% की होल्डिंग तो बजाज फिनसर्व की ही देखने को मिल रही है, तो बड़ा तो हम कह सकते हैं कि बजाज फिनसर्व ही है। लेकिन फिर भी मैं बजाज फाइनेंस को चूज यहाँ पर इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि भैया इसमें पैसा ज्यादा मिलने के चांसेस है बजाज फिनसर्व से, जो रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बजाज फाइनेंस में ज्यादा मिलेगा। मैं यही कहूंगी कि देखिए कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना के चलते इतनी बड़ी गिरावट हमें शेयर में जरूर देखने को मिली है और ये ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप चाहे तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलती है और देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को आप चूज करें और बजाज फाइनेंस एक बड़ा और अच्छा फंडामेंटल स्टॉक जरूर है। इसकी आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये शेयर बाउंस बैक कर लेगा अगर आपने खरीदा हुआ है तो यहाँ पर, और आप बहुत बड़े लॉस में है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चाहे बजाज फाइनेंस हो या फिर बजाज फिनसर्व हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वापस से शेयर रिकवर कर जाएगा, जरूर आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर जरूर मिलेगा। अभी अगर आप खरीदारी करना चाहे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप खरीदारी करना भी चाहे तो आप बजाज फाइनेंस को चूज करिएगा ना कि बजाज फिनसर्व को, और छोटी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं
ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं। अगेन मैं कह रहा हूँ मार्केट अभी भी अनस्टेबल है और कोरोना की दिक्कत अभी भी इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो आप छोटी क्वांटिटी चूज करिए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बिल्कुल भी ना लगाए और छोटी छोटी क्वांटिटी एसआईपी मोड में आप खरीदारी करते रहिए और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए। डेफिनेटली डेफिनेटली ये मौका है पैसा बनाने का, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज फाइनेंस के बारे में भी आपका क्या सोचना है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।